खाते पीते अपना वजन कम करे और इंचेस भी लॉस होंगे। देखिए कैसे इनका जो वजन है पेट का अलग से टायर की तरह दिख रहा है और ऊपर का वजन भी ब्रेस्ट के पास कितना ज्यादा हैवी हो चुका है। बॉडी के अंदर अनवांटेड चर्बी फंस चुकी है, उसको कैसे रिमूव करना है उसके लिए एक नेचुरल डाइट प्लान, खान पान से खाते पीते वजन कैसे इनका लॉस होगा, खाते पीते वजन को हम लॉस करेंगे और उसके साथ साथ ही हम जो है इनको कुछ नेचुरल मेडिसिन देंगे जो इनकी बॉडी के को डिटॉक्सिफाइड करेगी। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो हार्ड चर्बी इनकी बॉडी के अंदर आ चुकी है वो किस तरह से कम होगी। देखिए अभी इनका वजन जो आ रहा है वो अप्रोक्स आ रहा है 95 kg के अप्रोक्स आ रहा है। वेट लॉस करना और जो इसके साथ साथ ही इंटरनली जो वेन्स है, इंटरसाइंस है, आंतरे है, उनको कैसे कैसे हम क्लीन अप करेंगे और क्या क्या चीजें जो है इनको नहीं लेनी है। अगर ये इस तरह का डाइट प्लान फॉलो कर लेती है और हमारी ली हुई नेचुरल मेडिसिन ले देती है तो ये 30 days के अंदर अपना 10 kg जो है 4 से 5 kg 10 kg वेट लॉस कर सकती है। देखा अगर मोटापे का पेशेंट है तो इनसे पूछा हमने तो इन्होंने हमें बताया कि इनको आलू के पराठे पसंद है, इनको ऑयली पराठे नहीं लेने हैं। हाँ जी मैम, आलू परांठे बिस्कुट चाय के साथ, भुजिया हो गई, मोमोस हो गए, चिल्ली पोटैटो, चाउमीन, डोसा, ये सब मैम। देखिए अगर पेशेंट बार बार इस तरह का खाना लेगा तो उसका वेट गेन होगा ही होगा, फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने ऑल ऑफ फर्स्ट ये सब चीजें इनकी लाइफस्टाइल से रिमूव कराई है। इन्हें किसी तरह का पराठा नहीं लेना है, चाय के साथ किसी तरह के बिस्किट भुजिया का सेवन नहीं करना है, मार्केट से आ रही कोल्ड ड्रिंक जूसेस जो है इनको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने मोमोज की बात बताई, मोमोज मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बॉडी के अंदर जाकर के बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाता है और जो वेट गेन होता है इनका इसी खान पान की वजह से होता है। और शुगर कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है इनको, शुगर इनके लिए बिल्कुल जहर है, चीनी इनको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए इनको इनके इंसिस्ट में क्या लेना है, इनको खाली पेट चाय नहीं लेनी है, बिल्कुल भी चाय का सेवन इन्हें खाली पेट नहीं करना है। इन्हें आधा चम्मच अलसी के बीज लेने हैं, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, आधा चम्मच अलसी के बीज 1 गिलास पानी के साथ लेना है इनको, खाली पेट ये लेना है। इसके आधे घंटे तक इनको कुछ भी नहीं लेना है। उसके बाद इन्हें भीगे हुए नट्स लेने हैं, भीगे हुए नट्स जो है बहुत ज्यादा सही रहते हैं बॉडी के लिए, इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, वीकनेस नहीं आने देते हैं और आयरन और कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं ये। उसके बाद इन्हें ब्रेकफास्ट में लॉट्स ऑफ वेजेस डाल के पोहा ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। उसके बाद इन्हें 12 बजे जो है एक सीजनल फ्रूट कुछ भी ले सकते हैं, ये आजकल सीजन में आया हुआ तरबूज, वाटरमेलन, पपाया कुछ भी ले सकते हैं। इसका रीजन ये रहता है कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। उसके साथ साथ खाने से पहले, हर खाने से पहले इन्हें सैलेड लेना है, सैलेड में ये खीरा ले सकते हैं, चकुंदर ले सकते हैं, कीवी भी ले सकते हैं, टमाटर प्याज अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी 1 प्लेट सैलेड इन्हें लेना ही लेना है। उसके बाद खाने में इन्हें रोटी कम और दाल सब्जी ज्यादा लेनी है, और रोटी भी मल्टीग्रेन हो, किसी और आटे की हो, जो की हो, ज्वार की हो, मल्टीग्रेन हो, पुदीने की रोटी हो, वो दी बेस्ट रहती है। उसके साथ साथ इनको अपने खाने के बाद लस्सी इनको लेनी है जिसके अंदर इनको अजवाइन और काली मिर्च डालनी है, ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए बहुत सही रहती है। उसके साथ साथ जब इनको शाम को चाय लेनी है और इनको चाय के साथ क्रेविंग है बिस्किट्स की, बिस्किट एंड भुजिया इनको नहीं लेना है, इसके बदले में ये ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, रोस्टेड चने ले सकते हैं। इन सब चीजों को छोड़ के इनको जो अपने इवनिंग स्नैक्स में छोटी मोटी भूख के लिए इन सब चीजों का सेवन करना है। रात का खाना इनको 7 बजे तक ले लेना है। रीजन ये है अगर ये 10-11 बजे सोते हैं तो जो इनका खाना 7 बजे का खाया हुआ है वो 3 घंटे तक डाइजेस्ट हो जाएगा, स्टमक के अंदर जो है वो एकदम से रहेगा नहीं, जिससे कि फैट गेन होता है। और इनको बिल्कुल लाइट खाना लेना है, रात को रोटी नहीं लेनी है, इन्हें दलिया, खिचड़ी, सूप, स्प्राउट्स ऐसी चीजों का सेवन करना है। इसके साथ साथ ही हम इनका वेट लॉस करने के लिए हम इनको कुछ जड़ी बूटियां देते हैं जिससे इनका जो है वेट लॉस होता है और जो अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो चुके हैं, अनवांटेड फैट इनके अंदर हो चुका है, ये जड़ी बूटियों के द्वारा हम इनका जो है मेल्ट कराते हैं फैट को, और जो अंदर अनसा टाइम के अंदर जो सारी गंदगी जमा है, जो इन्होंने बहुत ज्यादा अनवांटेड खाना खा रखा है, मोमोज खा रखे हैं, बिस्किट भुजिया खा रखे हैं, आलू के पराठे खा रखे हैं, उन सब चीजों को डिटॉक्सिफाइड करता है। इसके साथ साथ ये मॉर्निंग में डिटॉक्सिफिक वाटर भी ले सकते हैं जिसमें लेमन है, कुकुम्बर है और उसके साथ साथ चुकुंदर भी है, ये पानी भी इनकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाइड करता है। अगर इस टाइप की डाइट प्लान को ये फॉलो करते हैं और कुछ हर्ब्स का सेवन करते हैं तो जो इनका इंचीज है बहुत इजीली लॉस होगा और वेट जो गेन हो रहा है वो गेन होना रुक करके वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। मैं डाइटिशियन साक्षी, आप अपने किसी भी तरह के वेट लॉस के प्रोग्राम के लिए, डाइट प्लान के लिए, हम डाइट प्लान जो है हर 14 days के अंदर चेंज कर देते हैं। हर 14 days के अंदर डाइट प्लान इसलिए चेंज हो जाता है ताकि आप एक ही डाइट लेकर के उभे नहीं, और 6 meals जो है आपको एक दिन में दिए जाते हैं। आप खाते पीते अपना वजन लॉस कर सकते हैं और कुछ जड़ी बूटियों द्वारा अपने हार्ड फैट को, हार्ड मास को रिमूव
रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।